वर्दा रिलेटेड मटेरियल सीज कर दिया, गुटका मटेरियल। और बहादुरपुरा में वो KFC डोमिनोज वो वेस्ट में फेंक देता ऑयल डब्बे को, वो क्लीन करने के लिए दे देंगे तो वो पूरा यूज्ड ऑयल वहाँ रिसाइकलिंग करके दे रहे हैं, वो कैंसर आ जाता है वो खाने में। और हनी शहद, एडल्ट्रेटेड शहद, वो एनिमल फैट का निकालने का घी चर्बी, और टर्मरिक पाउडर, हल्दी, मिर्ची पाउडर और ग्राउंडनट ऑयल, इसी तरह पूरा एडल्ट्रेटेड आइटम्स को सीज कर दिया। 9 आदमी को गिरफ्तार कर दिया, 7 क्रिमिनल केसेस, 273, 272 वो फूड आइटम जो फूड खाते हैं उसको पॉइजन कर रहा है, एबनॉक्सियस कर रहा है, और 420 केसेस भी रख दिया। ये सभी मिलकर वो लोग को 9 मेंबर्स को रिमांड भेज रहा हूँ। ये राइड्स कंटिन्यू हो जाएगा, पर्टिकुलरली गार्लिक पेस्ट, गार्लिक जिंजर पेस्ट, ये पूरा एसिड डाल के वो खराब आलू को पोटैटो को मिलकर वो पल्प पूरा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स लगा रहा है, वो खाने में पूरा डाइजेस्टिव हो जाता है सिस्टम, और पूरा कैंसर भी आ जाता है, वो न्यूरो रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आते हैं। सो ये साउथ जोन पुलिस और कंटिन्यूसली इसी मामले में रेड करेंगे। How long the business started by the culprits? You have any idea? Actually, since long time they are doing business, but there is a separate assigned department to take care of this adulterated aspects, because their authorized lab equipment system will be there along with them. They are continuously, they are meant for that only. But the police, we have a little bit trivial sections are there in Indian Penal Code 272-273 who are making any food item noxious to the public health. So it's a very very less gravity sections, but we are adding 420 also, because by doing this adulterated noxious items, they are getting